नमस्कार। सबसे पहले हमारे दर्शकों को बहुत बहुत बधाई नवरात्रि पर। आज हम बात करेंगे सबसे पहले पूजा घर की। नवरात्रि स्पेशली जो हम लोग मनाते हैं, इन 9 दिन पूजा के लिए बहुत महत्वपूर्ण होते हैं। ज़्यादातर जो पूजा होती है वो लक्ष्मी जी यानी कि जो लेडी गॉडेस हैं हमारी, उनकी पूजा की जाती है। तो इसमें हमारे को ध्यान क्या क्या रखना चाहिए, इसकी बात करते हैं। पूजा घर आपके घर में या तो नॉर्थ में हो, ईस्ट में हो या नॉर्थ ईस्ट में हो, ये बेस्ट डायरेक्शन। और इन केस अगर आपका बहुत बड़ा घर है, काफ़ी बड़ा है और आपके पास ब्रह्म स्थान यानी कि सेंटर ऑफ द हाउस में भी जगह है, तो आप वहाँ पर भी अपना पूजा स्थान बना सकते हैं। इसके साथ साथ ध्यान रखिए कि जो पूजा घर की जो दीवारें हैं उनका जो रंग है वो लाइट कलर हो। वाइट बेस्ट है, ऑफ वाइट, लाइट क्रीम या लाइट येलो, और अगर आप चाहें तो आप उसको हल्का ग्रीन या हल्का मोव भी कर सकते हैं। जो आप उसमें फ्लोरिंग करेंगे, कोशिश करिए उसको वाइट मार्बल की रखने की, अगर नहीं तो नॉर्मल फ्लोरिंग भी ठीक है उसके लिए। आपके घर में जो आप मूर्तियां रखते हैं, सबसे पहले तो मूर्तियां घरों में वैसे वर्जित हैं, लेकिन अगर आप रखना चाहें तो उनकी जो हाइट होगी वो 9 इंच से कम होनी चाहिए। मूर्तियाँ जो बड़ी बड़ी होती हैं वो मंदिरों में ही अच्छी लगती हैं और वहीं उनका प्राण प्रतिष्ठा करा के उनकी पूरी तरह से सेवा हो सकती है। घरों में कोशिश कीजिए तो आप फोटोज़ लगा सकते हैं। इसके साथ साथ हम लोग अक्सर क्या करते हैं, हम लोग बहुत सारे भगवानों की फ़ोटो एक जगह पर इकट्ठा कर लेते हैं, ये भी बहुत गलत है। एक भगवान की एक ही तस्वीर होनी चाहिए और उसका जो लेवल होना चाहिए मूर्तियों का वो आपके आई लेवल तक होना चाहिए, उससे ऊँची ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। इसके साथ साथ कोशिश कीजिए, मैंने कई जगह पर देखा कि लोग जो हमारे बिछुड़ गए हैं, हमारे पेरेंट्स दादा दादी, उनकी तस्वीरें भी पूजा घर में लगाते हैं। ये पूरी तरह से वर्जित है, इसको ऐसे नहीं करना चाहिए। उनकी तस्वीरें जो हैं हमारे कमरे में हो सकती हैं, हमारे लिविंग एरियाज़ में हो सकती हैं, जहाँ पर हमें उनको देख कर प्रेरणा मिले, हम उनको याद करें, लेकिन पूजा घर में हम उनकी तस्वीरें नहीं लगा सकते। इसके साथ साथ जो मंदिर है हमारा, पूजा घर है, वो किसी टॉयलेट या किचन के पास नहीं होना चाहिए। और आपकी जो मूर्तियां हैं वो दीवार से तकरीबन 1 इंच, कम से कम 1 इंच हटकर होनी चाहिए, दीवार के साथ सटा के नहीं होनी चाहिए। आप उनकी जो मूर्तियों की फेसिंग है वो आप नॉर्थ की तरफ कर सकते हैं, ताकि आप जब खड़े हों आप ईस्ट को फेस करें। फोटोग्राफ्स आप वो भी आप नॉर्थ में लगा सकते हैं, नॉर्थ वेस्ट में लगा सकते हैं। आप अगर बैठना चाहें अपने मंदिर में, मेडिटेशन करना चाहें, तो कोशिश करें थोड़ा सा हट कर बैठें। आप मूर्तियों के सामने एकदम आंखों से आंखें मिला के नहीं बैठें, वो आपके लिए ज़्यादा अच्छा रहेगा। अब आगे बात करते हैं नवरात्रि की। नवरात्रि जैसे कि हम जानते हैं इस बार 23 तारीख से शुरू होकर 1 अप्रैल को ख़त्म होंगे, और इस बार बहुत शुभ मुहूर्त है क्योंकि इस बार हमारे 9 की जगह 10 नवरात्रि हमें मिल रहे हैं, जो कि कभी कभी होता है और बहुत शुभ माना जाता है। इस बार सप्तमी 2 है हमारे पास, एक 30 तारीख को है और एक 29 तारीख को। 30 तारीख की महासप्तमी कही जाती है, जो कि बहुत शुभ दिन है। अब बात करते हैं कि हम नवरात्रि पर पूजा किस तरह से करें। हमारे यहाँ कलश स्थापना की बहुत महत्वता होती है। नवरात्रि पर कलश आप जो स्थापित करें अपने पूजा घर में, नॉर्थ या नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में कीजिए। जो अखंड ज्योति जलाई जाती है उसको आप साउथ ईस्ट में कीजिए, कलश से थोड़ा दूर। पूजा घर को बिल्कुल साफ़ सुथरा रखें, एकदम नीट एंड क्लीन। बहुत से लोग व्रत करते हैं नवरात्रों पर। नवरात्रों पर व्रत करना बहुत अच्छा होता है, लेकिन हम क्या करते हैं, व्रत करते करते हम इसको थोड़ा सा ज़्यादा ही कर लेते हैं और हम बहुत कुछ खा लेते हैं जो कि हमें नहीं खाना चाहिए, और बहुत से लोग बीमार भी हो जाते हैं। नवरात्रों में ये 9 दिन के जो व्रत हैं, जो फास्ट हैं, इनको आप अच्छे ढंग से कीजिए, फलाहार कीजिए, हल्का खाइए, पूजा पाठ में ध्यान दीजिए, ये आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा, बहुत अच्छे फल मिलेंगे। इसके पीछे जो साइंटिफिक रीज़न है इसको भी हमें समझना चाहिए। आप देखेंगे नवरात्रि जो आते हैं ये चेंज ऑफ सीज़न पर आते हैं हमेशा,
जब गर्मी से सर्दी आ रही होती है या सर्दी से गर्मी की तरफ हम जा रहे होते हैं, तभी नवरात्रे आते हैं। इन दिनों में बहुत लोग बीमार रहते हैं क्योंकि हमारे शरीर में तामसिक तत्व जो होते हैं बहुत बढ़ जाते हैं, और इसलिए ये जो व्रत हम लोग करते हैं इसके पीछे साइंटिफिक रीज़न यही है कि हम अपने बॉडी को डिटॉक्सिफाई करें, डिटॉक्सिफाई करके जो हमारे क्लिंजिंग हो जाएगी अंदर से, और जो आने वाला नया मौसम है हम उसको अपनी बॉडी को उसके हिसाब से एडजस्ट कर सकते हैं। उसी के लिए ये नवरात्रों की इसके पीछे ये जो साइंटिफिक रीज़न वो ये है। तो मेरी आपसे यही सजेशन है, व्रत कीजिए, ज़रूर कीजिए, लेकिन ध्यान से कीजिए, फलाहार खाइए, पेट को हल्का रखिए, तभी आप इस नवरात्र में उसका पूरी तरह से फल पा सकेंगे। अगर आप तला हुआ खा रहे हैं, टिकियाँ और वो सब चीज़ें, तो इस व्रत का कोई फ़ायदा नहीं रहता। आप अपने आप को, अपने शरीर को ओवरलोड कर लेते हैं, और वो जो तामसिक तत्व की हमने अभी बात की वो और ज़्यादा बढ़ जाते हैं यहाँ पर ख़त्म होने की बजाय। आपको चलते चलते एक बार फिर नवरात्रि की बहुत बहुत शुभकामनाएँ, बहुत बहुत बधाई।